नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के सानिध्य में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। नगर परिषद रोड स्थित लाइन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय राजीव गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव गांधी का नाम रहेगा, राजीव अमर रहे तथा भारत माता की जय सरी के नारे लगाए। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने लायन गार्डन में कल्प वृक्ष तथा रुद्राक्ष 11 फल एवं छायादार पौधों का रोपण किया और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान दिनेश शर्मा, सीपी शर्मा, बालूराम सेन, कौशल्या गहलोत, सोमदेव साहू, अशोक पंडित, फतेह सिंह रावत, पूर्व सभापति कमला तख्ती, राधिका शर्मा, पार्षद राजेंद्र तुनगारिया, राजेश शर्मा, घनश्याम फुलवारी, नौरत प्रजापति, देवकरण शर्मा, पवन तातेड, सुरेश चौहान, मनीष बगारिया, नेमीचंद राठौर, लक्ष्मीकांत सेन, मंदन गोपाल त्रिपाठी, धर्मराज जांगीर, कमलेश बोहरा, चेतन भट्ट तथा सुरेश पंडित सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी प्रकार ब्यावर युवा कांग्रेस की ओर से पार्षद राजेंद्र तुनगारिया एवं भूपेंद्र पाल पंवार के सानिध्य में सिटी थाना परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर सिटी थाना परिसर में 11 फल एवं छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया तथा उनके संरक्षण की शपथ ली। युवा कांग्रेस के भूपेंद्र पाल पंवार ने बताया कि युवा कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन कर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासराज के निर्देशन पर ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे कांग्रेसजन ब्यावर लंच गार्डन के अंदर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती लंच गार्डन में मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए और हम सभी उनको नमन करते हैं और उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम सभी कांग्रेसजनों ने उनके याद के अंदर एक कल्प वृक्ष का पेड़ और एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाकर उनको हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी के जन्म दिन पर हम सभी कांग्रेस जन और सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज हम इनके जन्मदिन के अवसर पर हम दो पेड़ लगाए जा रहे हैं और हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह धवन सर ने ये निर्देश दिया है सभी को कि आप लोग सभी हर जगह ब्लॉक में जिला में ये प्रोग्राम रखें, इसलिए हमारे अध्यक्ष जी सोन जी मेवाड़ा ने प्रोग्राम किया और हमको सबको फोन किया बुलाया। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हमारे सूचना क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 76वीं जन्म जयंती पर पूरे राष्ट्र में पौधारोपण किया जा रहा है। उसके तहत जहाँ जहाँ कोरोना वॉरियर्स के स्थान थे जैसे सिटी थाने और चिकित्सालय परिसर, इनों में हमने पौधारोपण किया। आज हमने सिटी थाना अधिकारी श्री संजय जी शर्मा के साथ मिलकर सिटी थाना परिसर में पौधारोपण किया। गुरुवार को उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की अध्यक्षता में विभागीय बैठक उपखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। समीक्षात्मक बैठक में ब्यावर के मुख्य सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एसडीएम चौहान ने उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों से पूरे महीने में किए गए कार्यों का ब्यौरा लिया और कार्य के आधार पर दी गई रिपोर्ट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य विभागों के अधिकारियों से शहर के विकास कार्यों व आवश्यक कार्यों की क्रियान्विधि की समीक्षा लेने के बाद एसडीएम ने बारिश के मौसम को देखते हुए भी चर्चा की। इस दौरान एसडीएम ने रोडवेज, नगर परिषद, विद्युत विभाग और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मानसून अलर्ट के निर्देश देते हुए आवश्यक रखरखाव की बात भी कही। बैठक के दौरान नगर परिषद से AEN चिराग गोयल, अमृतकोट चिकित्सालय के डिप्टी कंट्रोलर MK अग्रवाल, रोडवेज के मुख्य प्रबंधक रघुवीर सिंह राजावत, पशु चिकित्सालय से डॉक्टर जावेद हुसैन, साथ ही जलदाय विभाग के AEN SD गहलोत, विद्युत विभाग से AEN फुलवारी तथा आंगनबाड़ी से महिला बाल विकास अधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित रही।
गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाजा क्षेत्र से वीसी द्वारा इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। कोई भी भूखा नहीं सोए, इस संकल्प को साकार करने की दिशा में गहलोत सरकार ने यह कारगर कदम गरीबों के लिए उठाया। इस योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्ति को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। इसमें प्रति थाली 12 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा स्थानीय संस्थाओं को भोजन करवाने का ठेका प्रदान किया गया है, जिसके तहत शहर की सामाजिक संस्था एकम आसरा ट्रस्ट को इंदिरा रसोई योजना की क्रियान्विति की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए ब्यावर शहर के 4 स्थानों को चिन्हित किया गया। रेलवे स्टेशन रोड स्थित विदाम देवी बोरट धर्मशाला में पूजा पाठ के साथ इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई। इस दौरान एकम आसरा ट्रस्ट के संस्थापक ने पूजा अर्चना की। रेलवे स्टेशन के साथ ही शहर के विजयनगर रोड, अमृत कौर अस्पताल परिसर तथा रिको इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन करवाया जाएगा। योजना के तहत स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के माध्यम से निर्धनों को भोजन करवाया जाएगा। 8 रुपए थाली में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार परोसा जाएगा। संपूर्ण कार्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं मोबाइल फोन पर SMS से कूपन की सूचना द्वारा निगरानी रखी जाएगी तथा भोजन की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। ब्यावर में शुरू हुई रसोई योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह काम सौंपे जाने पर एकम आसरा ट्रस्ट के संस्थापक से बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। वे कार्य का बीड़ा उठाने के लिए धन्यवाद दिया। शुभारंभ के मौके पर नगर परिषद के ऑफिस सुपरिटेंडेंट फुलवारी, रेवेन्यू अधिकारी शमीम, मनोज शर्मा, राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र सिसोदिया, राजय सेन, फारूक सलीम, कन्हैया लाल सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर पूर्व सभापति कमला दग्दी, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सदर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान चांदी आभूषण चोरी के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी के अनुसार सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में सदर थाना की टीम रूटीन गश्त पर निकली। इस दौरान पुलिस टीम को अंधेरी देवरी रोड पर बाड़ीघाटी तिराहे पर एक सफेद रंग की बोलेरो कैंपर RJ36GA5786 नजर आई। पुलिस की गाड़ी देख कर वाहन चालक गाड़ी को भगा ले गया, तब पुलिस टीम ने वाहन को संदिग्ध समझ कर पीछा किया। इस दौरान वाहन में बैठे 2 युवक गाड़ी से उतर कर भागने लगे, तब जाब्ते में शामिल पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ा और मौके पर ही धारा 151 CRPC में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। मौके पर गाड़ी के कागजात मांगने पर गाड़ी के कागजात भी नहीं पाए गए। इस पर सदर थाना पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 207 के तहत मामला दर्ज कर वाहन भी जब्त कर लिया। थाने लाकर दोनों संदिग्धों से पूछताछ की तो जानकारी हुई, इनमें एक युवक हेमेंद्र पुत्र शैतान सिंह रावत, आयु 20 वर्ष, भीलो का बाड़िया खरवा का निवासी होना बताया गया। दूसरे युवक विनोद रावत पुत्र संपत सिंह रावत, उम्र 27 वर्ष, नुंद्री मालदेव का निवासी पाया गया। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर जानकारी हासिल हुई कि उक्त चोरों ने 13 अगस्त की मध्यरात्रि को अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर इसी बोलेरो वाहन में सवार होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उदयपुर रोड स्थित गंगा कॉलोनी के सूने मकान के ताले तोड़कर इन्होंने 3 किलो चांदी के आभूषण चोरी करना स्वीकार किया। मामले की जानकारी होने पर सदर थाना पुलिस ने सिटी थाना पुलिस से तस्दीक की तो पता चला कि सिटी थाने में 14 अगस्त को 5 किलो चांदी के आभूषण चोरी होने की रिपोर्ट गंगा कॉलोनी स्थित मकान मालिक द्वारा दर्ज करवाई गई है। पुलिस दोनों चोरों से मामले की कड़ाई से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है चोरी की कुछ और वारदातों का खुलासा होगा। भादवा का महीना आते ही बाबा रामसा पीर के जयकारे गूंजने लगते हैं। जहां एक ओर लोग ढूंढीचे धाम की यात्रा के लिए नाचते गाते पैदल ही निकल पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के मेवाड़ी गेट व शाहपुरा मोहल्ला बामियान होद के पास स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भी भव्य मेले का आयोजन होता है। किन्तु इस बार कोरोना संक्रमण के चलते गाइडलाइन की पालना के तहत भादवा की दूज पर बाबा रामसा पीर का मेला आयोजित नहीं किया गया। मेवाड़ी गेट स्थित रामदेव जी के मंदिर में दूज के मौके पर भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी, लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन किया। हर बार की तरह इस बार झूले चक्री की रौनक नजर नहीं आई। हालांकि नगर परिषद ने पूरे मेला क्षेत्र को साफ सफाई करके सफेद चूने की लाइनिंग की, लेकिन मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं थी। केवल इक्का दुक्का नारियल व प्रसाद के ठेले ही नजर आए। दूज के मौके पर भक्तों ने रामसा पीर के मंदिर में नारियल चूरमा व मखाने का भोग लगाया तथा पूजा पाठ करके घर परिवार की खुशहाली की कामना की। साथ ही इस कोरोना महामारी को जड़ से मिटाने के लिए भी अरदास की। कुछ भक्तों ने मंदिर पर बाबा रामसा पीर के नाम का झंडा भी फहराया।
इस वर्ष आने वाले सभी त्योहार कोरोना की मार के चलते अपनी चमक खो रहे हैं। इसी कड़ी में 22 अगस्त शनिवार को गणेश चतुर्थी के पर्व की रौनक भी फीकी रहने वाली है। प्रसन्न गणपति मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार इस बार प्रसन्न गणपति मंदिर के दरबार में गणेश चतुर्थी का मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। पूरा त्योहार सादगी पूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इसके तहत आने वाले भक्तों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए चेहरे पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंदिरों में दरवाजों व स्टील रेलिंग को भी छूने की मनाही है। साथ ही मंदिर में घंटी बजाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यह बताना चाहेंगे कि भादवे के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भक्तगण आस्था पूर्वक लड्डू मोदक चूरमे का भोग लगाते हैं और आमतौर पर 10 दिन तक चलने वाला गणेश चतुर्थी का उत्सव घरों में स्थापित की गई भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही अनंत चतुर्दशी पर विराम लेता है। शहर के सेंधा रोड स्थित मेघ महल में अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि डीआईजी सत्यवीर सिंह, आईपीएस संरक्षक अजाक राजस्थान संभाग प्रभारी अजमेर मौजूद रहे। बैठक गोपीचंद वर्मा, अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग जिला अध्यक्ष अजमेर, जी के बारूपाल प्रबंधक आरएफसी कोषाध्यक्ष जिला अजमेर, ललित जोरवाल प्रधानाचार्य व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई। बैठक में अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के गठन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, अजाक के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर हम संविधान सम्मत क्या कर सकते हैं, ऐसे विषयों पर विविध प्रकार से अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किए। बैठक के दौरान समन्वयक अशोक कुमार सामरिया ने बताया कि ब्यावर तहसील स्तर पर अध्यक्ष प्रभाकर भारती, सचिव जीवन राम मेहरा तथा कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार फुलवारी का मनोनयन किया गया। इस दौरान बैठक में हजारीलाल भाटी, भगवान सहाय जारोड़िया, केआर बालोटिया, राज नारायण बाकोलिया, हीरालाल सोलंकी, गुरुशरण गोयल, किशोर कुमार सोरठिया, सोहनलाल सिंगारिया, वेद प्रकाश मलुका, दुर्गालाल जागृत, लेखराज सहित सेवानिवृत्त सेवारत कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी सांसद बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव बाली जाने के दौरान कुछ देर ब्यावर रुके। इस दौरान सांसद नीरज डांगी का अखिल राजस्थान मेघवंशी महासभा संस्थान ब्यावर की ओर से पाली बॉर्डर पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष हजारीलाल भाटी, कुंपाराम चौधावत, भंवरलाल पलासिया, सूरजमल सुवाल, श्यामलाल पालडिया, ओम प्रकाश झारोडिया, हरिप्रसाद कडेला, नारायण महेडा, पृथ्वीराज चौहान, पार्षद भूपेंद्र पाल पंवार तथा शैलेश शर्मा ने सांसद नीरज डांगी का साफा पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अध्यक्ष हजारीलाल भाटी ने बताया कि निर्वाचन के बाद डांगी गुरुवार को सड़क मार्ग से जयपुर से बाली की ओर जा रहे थे। मुख्य डाकघर इन दिनों अपनी कार्यकुशलता के कारण सराहना बटोर रहा है। अपनी कार्यशैली के बूते पर पीपीएफ के खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व ही हासिल कर लिया गया। ब्यावर डाक अधीक्षक एम एन माली ने बताया कि ब्यावर के क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर द्वारा लोक भविष्य निधि खातों के अगस्त 2020 माह अर्थात एक माह के विशेष ड्राइव के तहत ब्यावर मंडल का 1074 लोक भविष्य निधि खातों का लक्ष्य आवंटित किया गया, जिसे ब्यावर मंडल द्वारा 10 दिवस पूर्व ही 19 अगस्त को 1165 खाते खोल 108% लक्ष्य अर्जित कर लिया। उल्लेखनीय है कि लोक भविष्य निधि खाते में अन्य योजनाओं से सबसे अधिक ब्याज दर 7.1% है। यह खाता बच्चे, युवा, महिला एवं बुजुर्ग किसी भी आयु वर्ग द्वारा खुलवाया जा सकता है। इसी प्रकार सभी आयु वर्ग के व्यक्ति लोक भविष्य निधि खाता खुलवाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। लोक भविष्य निधि खाता न्यूनतम 500 रुपए से खोला जा सकता है तथा इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं, जो कि आयकर मुक्त है एवं इस खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज भी आयकर मुक्त है। इसी तरह ब्यावर मंडल के अंतर्गत आने वाले ब्यावर उपखंड को 402 पीपीएफ खातों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। ब्यावर उपखंड द्वारा आवंटित लक्ष्यों से दुगुने खाते 10 दिवस पूर्व खुलवाए गए, जिससे ब्यावर मंडल राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र में सबसे पहले पीपीएफ खातों का लक्ष्य अर्जित कर पाया। पीपीएफ खातों के लक्ष्य अर्जन में ब्यावर मंडल द्वारा राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में श्री एन एम माली अधीक्षक डाकघर, विजय सिंह जैन सहायक अधीक्षक डाकघर को अजमेर रीजन में सर्व प्रथम लक्ष्य अर्जित करने हेतु पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र अजमेर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल कर्नल सुशील कुमार ने ब्यावर मंडल के सभी डाक कर्मियों की उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की।
ब्यावर उपखंड का ए श्रेणी का दर्जा प्राप्त अस्पताल अमृतकोर चिकित्सालय में इन दिनों अव्यवस्था व लापरवाही बढ़ती नजर आ रही है। वार्ड में आने वाले मरीजों को ट्रॉली पर लेटाने के लिए कभी ट्रॉली नहीं मिलती तो कभी ट्रॉली बॉय का भाव रहता है। अब तो अव्यवस्था का आलम यह है कि चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड के पीछे बेकार हो रही व्हील चेयर और खराब ट्रॉलियां पड़ी नजर आती है, लेकिन प्रशासन द्वारा इन्हें ठीक करवाने की जहमत तक नहीं उठाई जा रही। आमतौर पर अस्पताल प्रशासन भामाशाहों का चेहरा ताकता नजर आता है, लेकिन जब भामाशाह अस्पताल प्रशासन को रोगियों की सुविधा के लिए साधन मुहैया कराते हैं तो उनकी कोई उचित देखभाल नहीं की जाती। यहां तक कि अस्पताल के अनेक वार्डों में खराब पड़े कूलर एसी तथा पंखे भी रखरखाव के अभाव में दम तोड़ चुके हैं और अब ट्रॉमा वार्ड के पीछे पड़ी व्हीलचेयर और ट्रॉली की भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। विगत दिनों अस्पताल के गायनिक वार्ड में प्रसूताओं के ऑपरेशन के बाद खुले में फेंके गए पीपी किट को लेकर भी लापरवाही की खबर प्रकाशित की गई थी। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि अस्पताल की जरूरत को समझते हुए आमजन के हित में व्यवस्थाओं को सुचारू रखे। ब्यावर में बुधवार को 14 कोरोना पॉजिटिव मामलों के बाद गुरुवार को एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। पॉजिटिव आए मामलों में महावीर कॉलोनी में 4 पॉजिटिव एक साथ आए, जिनमें 27 और 50 साल की महिला के अलावा 24 व 26 साल के युवक शामिल है। गंगा कॉलोनी में 34 साल की महिला व 17 साल की किशोरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सोहन नगर सेंदा रोड पर भी 2 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव आए, जिनमें 69 साल के बुजुर्ग पुरुष व 66 साल की बुजुर्ग महिला सम्मिलित है। उदयपुर रोड चुंगीनाका डोलिया कॉलोनी में 30 साल के युवक और 50 साल की महिला को कोरोना पाया गया। इसके अलावा तेजा चौक में 43 साल का युवक, नुंद्री मैदान में 40 साल का युवक, फतेहपुरिया बिरदानगर में 27 साल का युवक, नेहरू गेट बाहर 59 वर्षीय बुजुर्ग व सिटी थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया। 15 पॉजिटिव मामलों में 8 पुरुष, 1 किशोरी व 6 महिला व युवती शामिल रहे। लायंस क्लब ब्यावर सिटी के तत्वावधान में शहर में सेवा व समर्पण के कार्य सतत जारी है। गुरुवार को संस्था ने विनोद नगर स्थित उमेद पैलेस में दिव्यांगों को बैसाखियों का वितरण कर समाज सेवा की अभिनव श्रृंखला को जारी रखा। संस्था के प्रवक्ता लायन उत्तम भंडारी ने बताया कि संस्था के प्रांतीय उद्देश्य मुस्कुराहट के साथ सेवा को साकार रूप देने के क्रम में अहमदाबाद के समाज सेवी प्रकाश चंद ललित कुमार कांस्टिया के सौजन्य से नगर के जरूरतमंद दिव्यांगों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए बैसाखियों का सहारा देकर उनके जीवन में मुस्कुराहट लाने का सार्थक प्रयास किया। दिव्यांग बैसाखी पाकर खुशी से खिल उठे। दिव्यांगों ने क्लब का आभार जताते हुए संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, राजेंद्र गर्ग, सुनील जेतलिया, हरीश मुंद्रा, राजेश झंवर, उत्तम भंडारी मौजूद थे। संस्था ने समाज सेवी कांस्टिया बंधुओं का इस परोपकार व सेवा कार्यों में सहयोग हेतु अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में अशोका मोटर्स अजमेर के चेयरमैन सुभाष मुर्किया व मंजू मुर्किया की ओर से गुरुवार को राजकीय अमृतकोर अस्पताल में चिकित्सकों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 81 पीपीई किट, चश्मा, कंप्लीट सूट, दस्ताने, शू कवर व कैप के साथ 81 कोविड बेडशीट नर्सिंग स्टाफ के लिए तथा 81 सर्जिकल मास्क का डॉक्टर दिलीप चौधरी की उपस्थिति में भेंट की गई। इस दौरान क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा ब्यावर के मंत्री सुनील झंवर ने बताया कि अशोका मोटर्स अजमेर के सुभाष मुर्किया द्वारा विगत माह में अजमेर, सरवाड, नसीराबाद, केकड़ी, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़ एवं किशनगढ़ में कई सरकारी व निजी अस्पताल में करीब 580 पीपीई किट व 1000 मास्क व 700 बेडशीट भेंट की जा चुकी है। सभा के अध्यक्ष जुगल किशोर मणियार ने बताया कि अशोका मोटर्स अजमेर परिवार द्वारा लॉकडाउन के समय में 10,000 परिवारों को सूखी राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए गए। अध्यक्ष मणियार द्वारा इस हेतु सुभाष मुर्किया परिवार को हार्दिक साधुवाद दिया। इस अवसर पर अस्पताल परिवार से डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर बादल सिंह, सिद्धांत जोशी, सीपी शर्मा, नरेंद्र शर्मा, पुखराज झाला आदि की उपस्थिति थी। कार्यक्रम में समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर मणिपुर अजमेर, क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद कांकानी अजमेर, सभा के सचिव अशोक जेतलिया, डॉक्टर एलन बलदुआ, रमेश चितलांगिया, सत्यनारायण असावा, ब्यावर माहेश्वरी महिला परिषद की अध्यक्षा वीणा बलदुआ, मंजू तापड़िया, कुसुम मालू आदि गणमान्य की उपस्थिति रही। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस सामाजिक सरोकार के लिए अशोक मोटर्स अजमेर का आभार प्रकट किया गया। कोविड जो महामारी चल रही है उसी के संदर्भ में हमने कुछ पीपी किट्स अजमेर पूरे जोन के अंदर बांटने की कोशिश की है। अभी पहले अजमेर हॉस्पिटल में दिए हमने, जेएलएन में, उसके बाद में हमने किशनगढ़, ब्यावर, नशीराबाद, केकड़ी, आज हमारा ब्यावर का नंबर है, और इस टाइप से करके यहाँ आज भी 81 किट्स हमने दिए। 80 बेड शीट्स हैं और 50 मास्क है, दूसरे मास्क है, 50 कोविड मास्क है जो नर्सिंग स्टाफ के लिए है, और इस कड़ी में हम लोग अभी और भी 2000 किट्स समर को देने हैं।
अजमेर जिला वैश्विक सभा संस्था व ब्यावर क्षेत्रीय वैश्विक सभा संस्था के तत्वाधान में अशोक कुमार मोटर्स अजमेर के प्रमुख माननीय श्री सुभाष जी मुर्किया परिवार द्वारा ब्यावर अमृत कौर अस्पताल में आज पीपीई किट का जो वितरण किया गया है और इस परिवार द्वारा अजमेर के विभिन्न जगह किशनगढ़ सरवाड़ इत्यादि जगह में भी वितरण किया गया है। सभी वैश्विक समाज की तरफ से इस परिवार का साधुवाद कि कोरोना वैश्विक महामारी में भी इस परिवार ने सामाजिक व धार्मिक महत्व प्रदान करते हुए पीपीई किट जो डॉक्टरों को वितरण किया गया है, हम साधुवाद घोषित कर रहे हैं। धन्यवाद। उपखंड में बढ़ते कोरोना कोविड 19 के बीच लगातार सतर्कता बढ़ाई जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इसी के तहत गुरुवार को उपकारागृह ब्यावर में तैनात पुलिस जवानों सहित बंदियों के सैंपल लिए गए। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के निर्देश पर एकेएच की मेडिकल टीम ने डॉक्टर मुकुल राजवंशी के नेतृत्व में उपकारागृह पहुंचकर सैंपल कलेक्शन किए। इस दौरान उपकारागृह में तैनात जवानों सहित बंदियों के सैंपल लिए गए। इस दौरान उपकारागृह प्रभारी सुखराम चौधरी सहित मेडिकल टीम के एलटी विजय कुमार मैसी, कमल परिहार, ईश्वर आदि मौजूद थे। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश भर 5 माह से अधिक समय से बंद हो रखे स्कूलों के कारण स्कूल प्रशासन द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं लेकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जहां स्कूल प्रबंधक ऑनलाइन कक्षाओं के साथ ही ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित कर रहे हैं, जिसको लेकर अब अभिभावक परेशान होना शुरू हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि गुरुवार को शहर के संत पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने पर अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के समक्ष विरोध जताते हुए ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ कक्षाएं भी बंद करने की मांग की है। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है, उसे सभी अभिभावक असंतुष्ट हैं। पहले भी विरोध प्रदर्शन करने पर इस व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाने का आश्वासन अभिभावकों को दिया गया था, लेकिन आज दिन तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अभिभावकों ने मांग की है कि एक ऑनलाइन कक्षा में अधिकतम 30 बच्चों की व्यवस्था कर एक कक्षा के 2 समूह बनाए जाए, जिससे बच्चों की समस्याओं का अध्यापक उचित तरीके से समाधान कर सके। यदि व्यवस्था हो सके तो अध्यापक वीडियो बनाकर उसे YouTube पर अपलोड कर उसका लिंक भेज दे। CBSE द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक कोर्स कम करके दिया गया है। ऐसे में सभी कक्षाओं में इसी प्रकार कोर्स को कम किया जाए। ऑनलाइन कक्षाओं में सामान्य ज्ञान, ड्रॉइंग, कंप्यूटर सहित अन्य वैकल्पिक विषयों की कक्षाओं को रद्द किया जाए। CBSE बोर्ड की ओर से अभी तक परीक्षा तथा उसके पैटर्न को लेकर इस वर्ष किसी भी प्रकार के कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसके बाद भी स्कूल प्रशासन 25 अगस्त से जो परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है, उसे निरस्त किया जाए। ऑनलाइन कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा बच्चों को फीस जमा करवाने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिस कारण बच्चों में भय व्याप्त हो रहा है कि बिना फीस के उन्हें ऑनलाइन कक्षा से जोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में अभिभावकों ने इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के समक्ष विरोध जताने के साथ ही उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंप निजी स्कूल द्वारा किए जा रहे परेशानी को लेकर शिकायत दी है। ज्ञापन देने वालों में मनीष भंसाली, राकेश गर्ग, कपिल जैन, मुकेश कोठारी, आशीष पार्लेचा, प्रदीप प्रजापति, नरेंद्र सुराना, पंकज भंडारी, सिद्धार्थ जैन, संदीप डेडिया, अतुल बरजातिया, गौरव भराड़िया, ऋषभ कांकरिया, मनन शर्मा, निरंजन मिश्रा, ब्रजमोहन सिंह, पंकज आहूजा, सुनील चौहान, आशीष जैन आदि अभिभावक उपस्थित थे। ऑनलाइन की आड़ में बच्चों से फीस वसूलने के लिए अब नया एग्ज़ाम का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन में बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम क्वार्टरली के नाम से कंडक्ट किए जा रहे हैं और बच्चों पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो फीस जमा कराएं तो एग्ज़ाम में एलिजिबल एंट्री होगी, और उसके बाद में अगर फीस जमा नहीं कराएंगे तो उनको लिंक नहीं भेजा जाएगा, उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और उनका रिजल्ट नहीं आएगा, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है। CBSE की गाइडलाइन के अनुसार अभी किसी भी तरह का एग्ज़ाम का कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों से फीस मांगने का एक कानूनी, ये तो दबाव है, बिल्कुल गैरकानूनी है, और इस पर 2018 में एक नियम भी आया था कि अगर बच्चों से फीस मांगी जाती है तो वो बिल्कुल ही गलत है, और इससे बच्चों की मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति गंभीर अवसाद पैदा होता है। हमारी दरख्वास्त मैडम के सामने रखी है और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई करेंगे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मनाई स्वर्गीय पूर्व पीएम राजीव गांधी की 76वीं जयंती, पौधरोपण का संरक्षण का लिया संकल्प।
ब्यावर में इंदिरा रसोई योजना का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री गहलोत ने वीसी के माध्यम से करवाई शुरुआत। मुख्य डाकघर ब्यावर ने 10 दिन पूर्व ही हासिल किया लोक भविष्य निधि खातों का लक्ष्य, पोस्टमास्टर जनरल द्वारा ब्यावर हुआ सम्मानित। और क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा ने एकेच में किए 81 पीपीई किट भेंट, अस्पताल प्रबंधन ने जताया आभार।